हेलो स्टूडेंट्स, टेली प्राइम 3.0 की क्लास नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम टेली प्राइम 3.0 में अगर हमारे पास कुछ ऐसा परचेज इनवॉइस आता है तो उस इनवॉइस के अंदर कुछ इस प्रकार के खर्चे जो ऐड होते हैं, तो यानी कि वो हमारा GST के बाद के अंदर कुछ खर्चे में इनवॉइस के अंदर लग के आते हैं। तो इस प्रकार की एंट्री को, परचेज इनवॉइस की एंट्री को टेली सॉफ्टवेयर में हम किस प्रकार से करेंगे, तो हम यहाँ देख सकते हो। हम इसी वाउचर का एग्जांपल लेंगे जहां पर हमें डिस्काउंट है जो लेस हुआ है और हमारा फ्रेट एंड फॉरवर्ड चार्जिंग है वो हमारा ऐड हुआ है। तो इस प्रकार का जो हम लेजर किस प्रकार से क्रिएट करेंगे और उस लेजर का ग्रुप सिलेक्शन हम टेली सॉफ्टवेयर में क्या रखेंगे, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना। कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप बिल्कुल भी मत करना है, क्योंकि ये वीडियो विशेषकर उन फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों के लिए काफी यूजफुल रहने वाला है। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहन सुथार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो टेली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और बिजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं क्लास नंबर 9 की। तो स्टूडेंट्स, क्लास को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमारे पास दो वाउचर है। हालांकि सेम पार्टी है, सेम इनवॉइस नंबर है, लेकिन एक इनवॉइस हमारे पास ऐसा है जिसके अंदर हमारे पास मल्टी स्टॉक आइटम है, यानी कि उसके अंदर मल्टी GST टैक्स रेट लगा हुआ है। 28% की भी उसके अंदर प्रोडक्ट है, GST 18% के भी है और 5% की भी प्रोडक्ट है। और एक हमारे पास ये सिंगल स्टॉक आइटम का इनवॉइस है, यहाँ पर कोई भी मल्टी स्टॉक आइटम नहीं है, केवल 28% की एक सिंगल स्टॉक आइटम है। और इस स्टॉक, इस इनवॉइस के अंदर भी हमारे पास कुछ ये डिस्काउंट, लेस और फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज है जो ऐड हुआ है। तो दोनों कंडीशन के अंदर किस प्रकार से हम लेजर को क्रिएट करते हैं, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का इनवॉइस आए जहां पर मल्टी GST लेट लगा हो, तो यहां से भी आप देख सकते हो इसके अंदर 5%, 28% और 18% के प्रोडक्ट है और यहां पर आपका फ्रेट लगा हुआ है और इस इनवॉइस के अंदर केवल सिंगल ही हमारे पास टैक्स रेट है 28% का और यहां पर भी हमारे पास में फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम टेली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और एक हम परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं। वाउचर पर हम जाएंगे, परचेज के लिए हम F9 का यूज करते हैं और सबसे पहले हम उसका वाउचर नंबर हम यहां पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये सिंगल स्टॉक आइटम है उसकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले जो इनवॉइस नंबर है हमारे पास में वो हम यहां पर टाइप करने वाले हैं और डेट 2 जुलाई की, इनवॉइस नंबर के अंदर भी सेम वाउचर नंबर ही आ जाएगा और यहां पर हम जो हमारे सप्लायर है उनका लेजर हम यहां पर क्रिएट करने वाले हैं और LC हम यूज करेंगे, चाहे तो आप यहां से क्रिएट पे भी जा सकते हो। और ये हमारे सप्लायर है तो हम इसको रखेंगे सेंट्री क्रेडिटर में और उसके बाद में यहां पर उसका सारा एड्रेस एज पर इनवॉइस के अकॉर्डिंग, तो हम सारा इसी को हम एक बार यहां से कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूं। स्टेट राजस्थान रहेगा, पिन कोड वगैरह मैं यहाँ पे एक बार स्किप कर रहा हूँ और उसके बाद में रेगुलर है और एक बार इसका जो GST नंबर है वो GST नंबर भी हम यहाँ से लिख देंगे, एंटर प्रेस करते हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद में ये हमारी रिसीप्ट की जो डिटेल है सारी वो हम लिख देंगे, अगर हमारे पास डिटेल अवेलेबल है तो, अदरवाइज हम इसको स्किप भी कर सकते हैं एंटर प्रेस करते हुए। अब उसके बाद बात आएगी स्टॉक आइटम की, तो जो हमारे पास इनवॉइस है उसके अंदर ये स्टॉक आइटम है, इसी को हम यहां से कॉपी करेंगे और यहां से हम नई स्टॉक आइटम को क्रिएट कर देंगे और उसके बाद में हम यहां पर इसका एक ग्रुप एक बार में बाय डिफॉल्ट प्राइमरी रख रहा हूं और इसको भी मैं पीसीस में ले रहा हूं, एंटर प्रेस करते हुए GST को मैं एप्लीकेबल कर रहा हूं यहां पर और HSN कोड एज पर इनवॉइस के अकॉर्डिंग में यहां पर लिख देता हूं और उसके बाद में इसका जो GST का टैक्स रेट है वो हम यहां पर डाल देंगे GST 28% का, गुड्स रखते हुए एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद क्वांटिटी हमारे पास है इसकी 175 पीस और अब यहाँ पर हम इसका जो टैक्सेबल रेट है वो हम डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये प्राइस आ रहा है वो हमारे पास पर कार्टून का रेट है और यहाँ पर हम इसको पीसीस के अंदर लेके रख रहे हैं, तो हम चाहे तो यहाँ पर इसको 7 कार्टून के भी हम यूनिट बना सकते हैं। हम इसको 7 कार्टून अगर लेके जाएं तो 7 कार्टून हमारे पास बन सकते हैं। उस कंडीशन के अंदर हमें एक जो हमारी यूनिट है वो एक यूनिट हमें एक अलग से और क्रिएट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू कार्टून वाइज, तो हम इसको बेस्ट रहेगा, मैं हमारे स्टॉक के मुताबिक इसको पीसीस के अंदर ही ले रहा हूँ। तो यहाँ पर
18375 का हमें 28% हम अलग करते हैं, 18375 डिवाइड बाई 100 भाग 128 सॉरी गुणा 100 भाग 128 और यहां पर मैं एक जीएसटी 28% का परचेज लेजर क्रिएट करता हूं। अंडर में रहने वाला ये परचेज काउंट जीएसटी एप्लीकेबल है और इसको हम कोई भी डिटेल यहां पर लेजर में नहीं देनी है। और उसके बाद में सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स। तो अब हमारा यहां पर जो इनवॉइस की अमाउंट है वो आप यहां देख सकते हो 18375 रुपए बन चुकी है। और अगर इनवॉइस की बात करें तो इनवॉइस भी हमारा अभी तक यहां पर 18375 रुपए का विद जीएसटी के साथ बन चुका है। अब बात आएगी, अब हमें 100 रुपए इसके अंदर लेस करनी है और 170 रुपए जो एक्सपेंसेस हमारा लगा हुआ है उसको हम ऐड करेंगे। अब ये जरूरी नहीं है भी हर कंडीशन के अंदर आपके पास यहाँ पे फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज लिखा हो, यहाँ पे कोई कोरियर चार्ज हो सकता है, कोई पैकिंग चार्ज के नाम से हो सकता है, यानी कि एक्सपेंसेस किसी भी टाइप का हो सबका प्रोसेस एंट्री करने का सेम है। तो अब हमें डिस्काउंट का लेजर यहाँ पर इंटरप्रेस करने के बाद में यहाँ पर हमें एसजीटी और सीजीएसटी टैक्स के लेजर यहीं पे ही मैं क्रिएट करना होगा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी बना हो तो ठीक है, नहीं तो हम एलसी के साथ नया क्रिएट करेंगे डिस्काउंट। ठीक है, तो अब हमें डिस्काउंट का है वो हमें लेस हुआ है, यानी कि ये हमारी कंपनी के लिए एक तरीके की इनकम हुई है। तो हम यहाँ पर इसको रखने वाले इनडायरेक्ट इनकम में, जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो हम इसको रखेंगे नॉट एप्लीकेबल, एंटरप्रेस करेंगे। तो अब हमें 100 रुपये लेस हुआ तो हम सबसे पहले माइनस का निशान लगाएंगे और फिर हमें यहाँ पर 100 रुपये लिखना होगा। और उसके बाद में ये फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज यानी कि जो एक्सपेंसेस है ये हमारे इनवॉइस के अंदर है जो एड हुआ है। तो अब हमें इसका भी एक लेजर यहाँ पर अलग से क्रिएट करना पड़ेगा फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज के नाम से। अब यहाँ पर बात आएगी भी अब इसका ग्रुप क्या रहेगा, अब ये हमारी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो अब सबसे मेन बात यहाँ पर रहेगी, अब यहाँ पर हमारे पास दो इनवॉइस थे, एक इनवॉइस तो ऐसा था जहाँ पर हमारे पास मल्टी जीएसटी रेट है और यहाँ पर भी हमारे पास फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज रेट है। तो अगर आपके पास, क्योंकि वैसे तो ये एक तरीके का अगर आपके परचेज इनवॉइस के ऊपर लग गया है तो ये आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस बनता है, लेकिन अगर इस कंडीशन के अंदर ये जो हमारे पास 70 रुपये एक्सपेंसेस एड हुआ है इनवॉइस के अंदर तो आपको सभी के अंदर यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक एक आपको स्टॉक आइटम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तो काफी बड़ा मुश्किल का काम है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखेंगे। और इस इनवॉइस के अंदर आप देख सकते हो भी केवल हमारे पास में ये जो 100 रुपए लगा है वो केवल इसी स्टॉक आइटम के अगेंस्ट में लगा हुआ है, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं ये 100 रुपए जो हमारा एक्सपेंसेस है 170 रुपए का, 170 रुपए का जो एक्सपेंसेस है वो हमारा इस स्टॉक आइटम के अगेंस्ट में लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं 170 रुपए सीधा सीधा हमारा इस प्रोडक्ट की कॉस्ट है जो बढ़ने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम इसलिए अब इस कंडीशन में नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पर इस फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस पर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं किया गया है, जीएसटी हमारा ऊपर पहले ही स्टॉक आइटम पर लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम इसको भी यहाँ पर एक बार इनडायरेक्ट है जो एक्सपेंसेस रखेंगे, है आपका खर्चा ही, तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम इसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस रखोगे तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम के अंदर इसके जीएसटी के जो कंप्लायंस है वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है, तो इसके ऊपर आपका आरसीएम का प्रोविजन वगैरह भी लागू आपके हो सकते हैं। तो इस कंडीशन के हम इसको झंझटबाजी से बचने के चक्कर में हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एंट्री करेंगे और जीएसटी इसके ऊपर हम एप्लीकेबल नहीं है तो इसको हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे। हाँ, अगर आपका फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज पे कोई जीएसटी लगता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस रखेंगे जो कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनेगा, एक्सेप्ट करेंगे। और अब हमारे को ये 170 रुपया एड हुआ है तो हम यहाँ पर 170 रुपये को एड करेंगे। तो अब यहाँ पर देख सकते हो इनवॉइस की जो अमाउंट है 18,445 रुपये की फाइनल अमाउंट बनी है और टेली सॉफ्टवेयर ने भी ये 18,445 रुपये और एक पैसे की अमाउंट बनाई है। तो हम एक पैसे को यहाँ से हम राउंड ऑफ भी करेंगे तो -0.01 एंटरप्रेस करेंगे। एंटरप्रेस करते हुए इस वाउचर को भी हम यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। तो अब आता है कि भी जो हमने लेजर क्रिएट किया था डिस्काउंट का और फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज का तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, उसका इफेक्ट सीधा सीधा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने के लिए गेटवे ऑफ टेली पर जाएंगे, फाइनल अकाउंट पर जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन कर लेंगे।
यहाँ से हम LTF1 की डिटेल करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो अभी जो हमने 170 रुपए की जो ट्रांजेक्शन करी थी फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस की, तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ चुका है। और अभी जो हमने 100 रुपए की डिस्काउंट की एंट्री जो हमने करी थी इनवॉइस में, वो आपकी एक तरीके की इनडायरेक्ट इनकम में आ चुकी है। तो यानी कि जो भी आपकी कंपनी के लिए इनकम रहेगा वो इनकम के हेड में जाएगी, जो आपका खर्चा है वो सारा आपका ऑलमोस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। लेकिन ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अगर हम इसको करेंगे तो ये आपका ग्रोस प्रॉफिट के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सीधा सीधा फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर हमारा इफेक्ट करता है। तो वीडियो पसंद आई और नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, क्योंकि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर उन अकाउंटेंट लोगों के लिए या जो टेली सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं उन लोगों के लिए।